अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए, और आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपको आज मैं बता रही हूँ टमाटा पकोड़ा। टमाटे के पकोड़े के लिए चाहिए, मैं ली हूँ 2 टमाटर ली हूँ मैं, थोड़ा सा हरा धनिया, बेसन चार इस टाइप से समझिए, सालन का चमचा है ये, चाय का नहीं है, 1 चमचा लाल मिर्ची, 1/2 चाय का चमचा अदरक लहसुन, चावल का आटा 1 चाय का चमचा, सोडा 1 पिंच, नमक आपके हिसाब से लिए, मैं ये 1/2 चाय का चमचा ली हूँ नमक यहाँ। इसको मैं सब मिला लूँगी इसके अंदर, ये बहुत अच्छे होते, देखिए भजिए, भजिए भी बोल सकते हैं आप इसको, पकौड़ा भी बोल सकते हैं, मगर इसमें आप चावल का आटा कैसा भी मिलाना है 1 चमचा, और इसमें थोड़ा पानी डालूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल के वो करिए आप, और तेल लूंगी मैं, देखिए आप 1 कप तेल लूंगी मैं, 200 ग्राम का ये कप से लूंगी मैं तेल, आपको बताऊंगी मैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के वो करना है, फिर से थोड़ा सा पानी डाली मैं, पहले और बेसन भिगा के आपको 2 घंटे रखना है, मैं बेसन भिगा के मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान नहीं है, आप वहाँ जो भी मेरे से बोलते कमेंट्स कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह ताला बताऊँगी मैं, कोशिश करूँगी, अल्लाह चाहे तो बराबर बताऊँगी। आप बेसन में ऐसा चिपटाऊ आना, देखिए एकदम गुस्सा पानी नहीं डालना है आपको, और एक साथ कोतमीर भी नहीं डाल देना है आपको इसमें। अब मैं डाल दूंगी इसमें हरा धनिया, हरा धनिया डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए बेसन भिग के तैयार है, और अब मैं इसको 2 घंटे फ्रिज में नहीं कहीं नहीं, अगर आपके घर में धूप आती है, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आती, तो आप इसको 2 घंटे धूप में रखेंगे। मैं सिर्फ 1 चुटकी वो डाली हूँ सोडा 1 पिंच, तो खुद ब खुद फूलते, इससे अंदर कच्चापना नहीं रहता, जो धूप लगती ना, कभी भी आप चाहे दही क्या दही की कड़ी बनाए, दही बड़े बनाए, तो आप धूप में रखने का एक टिप है, वो हमारे नानी बोलते थे तो उनसे सीखी हूँ मैं। अब इसको मैं 2 घंटे रख दूँगी, फिर आपको बाद में बताऊँगी मैं फ्राई करके। देखिए 2 घंटे बेसन रख दी थी मैं, इधर टमाटे रखी हूँ, अब फ्राई करके बताऊँगी आप लोगों को। ये तेल बोली थी ना मैं 1 कप, ये तेल डाल रही हूँ मैं, तेल गर्म हो रहा, देखिए मीडियम पे रखी हूँ मैं, एकदम गर्म नहीं, तेल काला हो जाता तेल। ये देखिए मैं ऐसा 1 स्लाइस रखी, इधर भी 1 स्लाइस रखी, ऐसा अच्छा मिक्स करना है। अब देखिए बिस्मिल्लाह, और पहले एक नीचे बॉल जिसमें भी भिगा रहे रखिए, फिर नीचे एक प्लेट रखिए, ऐसा नज़दीक ले जाके बिस्मिल्लाह रहमान। और अपने टमाटे थोड़े हार्ड होना चाहिए, बेंगलुरी टमाटे नहीं, अपने जो इंडियन आता ना टमाटा। ये देखिए 4 डाली मैं इसमें जिया, मैं बोलती हूँ आप लोगों को हर चीज़ बैचेस बैचेस में वो करना, बोल जाए जिया डालेंगे तो ऐसे चिपकते, देखिए आप थोड़ा, ये देखिए आप बहुत मज़े के होते हैं। आप इसके ऊपर से काली मिर्ची, नमक, चाट मसाला मत डालिए, चाट मसाला डालते इसका उन्हें ऐसा जो फ्लावर है ना ऐसा दब जाता हूँ, प्लीज़ वैसा मत करिए, आप लोगों को पसंद भी है तो मत डालिए, काली मिर्ची से ज़्यादा और नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं है, नमक अपन इसके ऊपर ही चर्चा हो कर लेते, और मैं काली मिर्ची भी नहीं डालती, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, बच्चों को आदत रहती ना काली मिर्ची वो डाल के खाने की, तो आप लोगों की मर्जी है, मैं चाट मसाला नहीं। देखिए ये हो गया,
ये देखिए ये कलर आएगा। सेकंड बैच डाल रही हूँ देखिए मैं ये, और टमाटर अच्छा अगर बड़ा भी रहेगा, हार्ड रहना है, सॉफ्ट नहीं रहना है, वो तो आप लोगों को चुरके लगेंगे। और आप ऐसा टमाटर जैसा डिप करते ना, तो आप कितना भी डिप करेंगे हट जाएगा वो, तो ऐसे बस तलते जाइए, और तेल बहुत कम लगता। सेकंड बैच हो रहा देखिए, और कढ़ाई में तलना है आपको, फ्राई पैन में तलना नहीं है। सेकंड बैच निकाल रही हूँ मैं देखिए, और ऐसे जो छोटे छोटे ऐसे रहते ना, इसको भी ऐसा निकाल लेके ऐसा ना दही बड़ों में डाल के खाइए, बहुत अच्छे दिखते हैं दही में, बताती हूँ मैं वो। देखिए टमाटे के पकोड़े तल के तैयार है, भजिया भी बोल सकते हैं आप, पकोड़ा भी बोल सकते हैं। आपको पहली फर्स्ट रेसिपी बोल दी थी मैं, मैक्रोनी सॉरी बोल दी थी, बोल रही बता दी थी मैक्रोनी, ये सेकेंड है। तो मैक्रोनी ब्रेकफास्ट का भी था, इफ्तार का भी था, ये इफ्तार का ही छः खाली, फिर अब थर्ड रेसिपी बताऊंगी मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, आपको थर्ड बता रही हूँ मैं आज रेसिपी मूंग की दाल के क्विक एंड इजी दही बड़े। इसके लिए देखिए मैं दाल को भिगा ली, दो घंटे भिगने दूंगी मैं, दो घंटे। तो सिर्फ मूंग की दाल लेना है, मूंग की दाल है देखिए 100 ग्राम, दही है 200 ग्राम, और बघार के लिए है थोड़ी सी राई, करी पत्ता। जो अब दाल ग्राइंड करेंगे बताऊंगी मैं आपको, कोतमीर इसमें से थोड़ा मैं दही बड़ों के लिए लूंगी, और हरी मिर्ची रखी मैं चार, हरी मिर्ची 1 पिंच, सोडा 1 पिंच, हल्दी और नमक 1 चम्मच ली हूँ मैं। दाल पीसते वक्त आधा चम्मच डालूंगी और आधा चम्मच दही में लूंगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हरी मिर्ची भी अपने हिसाब से, और ज़ीरा दाल पीसते वक्त ग्राइंड करते वक्त डाल दूंगी मैं, आपको बताऊंगी फिर। ये दाल भिग के 2 घंटे हो गए हैं, ये पहले ज़ीरा डाल लूंगी मैं, नमक डाल लूंगी थोड़ा सा, फिर आप टेस्ट करके भी डाल सकते हैं, हल्दी डाल दूंगी इसमें मैं, ये 1 पिंच सोडा डाल दूंगी, कोतमीर डालूंगी, और ऐसा तोड़ के 2 हरी मिर्ची डाल, आपके हिसाब से आप जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं। दाल डाल रही हूँ, और मैं कभी भी कोई भी चीज़ जार में डालते रहती हूँ या कोई भी चीज़ में करते रहती हूँ, तो आप लोग समझेंगे कि आंटी का हाथ धुला हुआ नहीं रहता, आंटी हमेशा हाथ धुल के, और मैं कुछ ना कुछ दुरूद वो पढ़ लेते हुए काम करती हूँ मैं घर का भी। ये ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर ली देखिए, इतना मोटा रहना, थोड़ा दरदरा बोलते ना ऐसा रहना, मैं बॉल में निकाल लूँगी, फिर थोड़ी देर रख के आपको फ्राई करके बताऊँगी मैं। ऑयल डाल रही हूँ मैं 100 ग्राम, उतना मेरे अंदाजे से डालूंगी। ये देखिए दही है, दही में नमक मिला हुआ है, अभी मैं हरा मसाला पीस के नहीं डाली, मैं ग्राइंडर में दही नहीं मानती, मैं ऐसा छन्नी में कर लेती हूँ, तो आप लोग ये याद रख लीजिए। तो मैं जब भी जो भी दही बड़े बताऊंगी मेरा प्रोसीजर यही रहेगा, तो वही हिसाब से आप लोगों की मर्जी, आप ग्राइंडर में कैसा करना चाह रहे हो, मेरा तो यही है स्टाइल। थोड़ा पानी डाली मैं इसमें, थोड़ा सा डालना है पानी, क्योंकि वो फटा फटा नहीं दिखने के वास्ते, इसलिए तेल गरम हो रहा जब तक मैं इसमें पीस ले रही हूँ। 2 हरी मिर्ची है आप लोगों को जब बताई थी ना मैं, और कोतमीर है, नमक है थोड़ा सा, कोतमीर हरी मिर्ची सब पीस गई। मैं तो साबित हरी मिर्ची डाल के दोनों वैसे मारी, मगर आप लोग जो एकदम नया पकवान कर रहे हैं तो छोटे छोटे हरी मिर्ची पीसेस काट के करिए, ना तो एकदम आँख में जाएंगा आप लोगों के, तो परेशान हो जाएंगे आप। तो देखिए इसमें मिक्स कर दी मैं,
ये देखिए मैं डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर इसमें होल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। मूंग के है ना ये, और जैसा आप माश के भी बना रहे हैं तो मैं ये वजह से ही डालती हूँ। मैं एकदम अंदर कच्चे कच्चे नहीं रहना बोलती हूँ, आप जैसा भी शेप देना चाह रहे हैं उसको दे सकते हैं। बहुत मज़े के होते, देखिए ये ट्राई करिए आप लोग। और जिसको थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस ट्रबल है, हुसन जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग है, वो लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, समझिए आप। और दाल में जैसा पीसी पीसना, अगर अपन कम दाल के भी पानी पीसना चाह रहे हैं तो पीस सकते हैं। ये देखिए ये कलर आता, और मूंग की दाल के थोड़े लेट होते, जल्दी नहीं होते, थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, क्योंकि ये दाल बहुत देर में होती इसलिए। और रात में नहीं भिगाना है, सिर्फ 2 घंटे भिगाना है आपको। ये हो गए हैं, निकाल रही हूँ, देखिए मैं। मेरे को फर्स्ट आप लोगों को ये बता रही हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह बताते जाऊँगी रमज़ान तक, जितना भी हो सका मेरे से कोशिश करूँगी मैं। और ऐसे सादे भी बहुत अच्छे दिखते हैं ये, मैं आपको बताते जाऊंगी। ये देखिए इस टाइप का कलर रहता है इसका। अब मैं इस ये देखिए मैं इसको पानी में डालूंगी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ, 3 बजे रेडी कर देती हूँ दही बड़े, वो मैं पानी में डालती फिक्का पना आ जाता बोल के, मगर आप लोगों को खातर बता रही हूँ। अगर आप ना 3 बजे बना के रख लेंगे ना, इफ्तार तक पानी में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, और ना फिक्के होंगे। उसमें थोड़ा सा नमक डाली थी 1 पिंच, इसमें मैं थोड़ा सा दही डालूँगी, क्योंकि भजियों में फिक्का फना नहीं आना। सिर्फ इसको मैं समझिए आप 2-3 मिनट रखूँगी, फिर बताऊँगी मैं आप कि मैं पूरा पानी ऑब्जर्व करने नहीं दूँगी, कि पानी जैसा लोग भजिया दबा के निकालते ना, मैं वैसा नहीं निकालती। मैं सब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। ये देखिए 2 मिनट हो गए, पानी नहीं है इसके अंदर, बस सिर्फ उसकी गर्मी निकल गई समझिए आप तेल की। और आप दही डालना ज़रूरी रहेगा, भजियों में फिक्कापना अच्छा दिखेगा आप। और दही आपको गाढ़ा रखना है, एकदम पानी के जैसा नहीं बनाना है, क्योंकि इसका थोड़ा पानी अगर आ गया तो आपका दही वो हो जाएगा सब। देखिए पलटाई में, आप इससे छोटे भी तल सकते हैं, बड़े भी तल सकते हैं, मैं फिर आपको और बताऊंगी कैसे कैसे डिजाइन्स के तल सकते हैं आप। ये देखिए आप हो गए, निकाल रही हूँ। राई डाल रही हूँ, थोड़ी सी होने दूंगी, जीरा वो नहीं डालती मैं। बनाइए, खाइए, फीडबैक दीजिए। और जो आप लोग फर्स्ट टाइम अगर मूंग की दाल के बना रहे हैं, तो अभी रमज़ान का टाइम है ना, आप लोग बना के देखिए, एक मुट्ठी दाल, थोड़ा सा दही लेके। और आप लोग मिर्ची तेज़ खाने वाले हैं तो मिर्ची तेज़ डाल सकते हो आप। अब मैं गैस ऑफ कर दी, गैस ऑफ करके करी पत्ता डालूंगी, थोड़ा सा इसका ठंडा हुए बस से डालूंगी बघार, नहीं तो दही फट जाता। ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है,
देखिए आप लोग कैसा दिख रहा है आप लोगों को। बस मेरा यही रहता है, स्टाइल यही है मेरा, क्योंकि पहले ज़माने में तो ग्राइंडर में जो आजकल लोग दही मार रहे हैं, पहले ज़माने में नहीं था ना कि ऐसा करो कि ग्राइंडर का हरा मसाला पीसो सिल्फ पे उस पर। तो मैं ज़ियाद जैसा पहले ज़माने के लोग करते थे मैं वैसे ही करती हूँ। आप देखिए कैसे बने बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, दुआ में याद रखिए, मैं भी याद रखूँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।